हाय दोस्त, फिर से वेलकम टू एक नया ब्लॉग के साथ। अभी सुबह का टाइम, आज सुबह सुबह मेरा ड्यूटी ख़त्म करके मैं आ गया थोड़ा घूमने के लिए। तो हर टाइम में तो ऐसे दिखाता हूँ मजरा, घास का मजरा, ऊँट का मजरा, बकरा का मजरा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरा ड्यूटी के बारे में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा यहाँ सऊदी में मेरा ड्यूटी क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे मेरा ड्यूटी हो रहा है, इधर कौन सा काम पे मैं आया, इधर मेरा जॉब क्या है, नौकरी क्या है, क्या करता हूँ मैं इधर। आज वही बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा कौन सा काम पर मैं आया, इधर क्या कर रहा हूँ, कैसे हो रहा है मेरा ड्यूटी, एक दिन में कितना ड्यूटी हो रहा है मेरा, अच्छा ड्यूटी है कि बुरा ड्यूटी है, कैसे हो रहा है ड्यूटी, वही ड्यूटी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा मेरा ड्यूटी के बारे में। यहाँ मैं इंडिया से ड्राइवर वीज़ा पे आया हूँ सऊदी, ड्राइवर वीज़ा पे, हाउस ड्राइवर, उसका बहुत फ़ायदा है ड्राइवर वीज़ा पे, इसलिए हम ड्राइवर वीज़ा पे आया इधर। तो यहाँ सऊदी में हर ड्राइवर का अलग अलग ड्यूटी होता है कि किसका अच्छा बुरा ज़्यादा बहुत थोड़ा बहुत ऐसे होता है। मैं मेरा पर्सनल ड्यूटी का भी बारे में आज बताऊंगा आप लोगों को, दूसरा ड्राइवर का ड्यूटी में का बारे में मैं बताऊंगा दूसरा वीडियो में। आज का वीडियो में मैं मेरा पर्सनल मेरे बारे में मेरा ड्यूटी में बताऊँगा, मेरा के ड्यूटी कैसे चल रहा है यहाँ सऊदी में, सऊदी में कितना अच्छा ड्यूटी है मेरा कि बुरा ड्यूटी है, वो बारे में मैं बताऊँगा आज। सिर्फ ड्यूटी के बारे में आज मैं बताऊंगा आप लोगों को मेरा ड्यूटी के बारे में। तो हम जिसके पास आया हूँ इधर सऊदी अरब ड्राइवर पे, जिसने मेरे को ड्राइवर वीज़ा पे बुलाया इधर, वो एक लेडीज है, मेरा जो कफिल है मालिक, यहाँ सऊदी में मालिक को कफिल बोलते हैं, मेरा जो कफिल है वो मैडम है, वो ये सऊदी का आदमी है, लेकिन ये जो टाउन ताबुक सिटी, हमारा जो सिटी का नाम ताबुक सिटी है, ये ताबुक सिटी में उसका घर नहीं है, उसका घर दूसरा जगह पे, ये सऊदी में है लेकिन दूसरा स्टेट में है, दूसरा जगह पे है। तो वो मैडम ये ताबुक सिटी में एक मेडिकल कंपनी ताबुक फार्माटिकल्स, वही कंपनी में वो नौकरी करती है इधर। तो वही मेरा कपिल है, वही मेरा मालिक है, वो एक ही है मैडम, और यहाँ वो भी खुद भाड़ा पे यहाँ रहता है, वो कंपनी में नौकरी करता है। तो वही मेरा ड्यूटी क्या है, वही ड्यूटी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरा ड्यूटी यहाँ कैसे हो रहा है, एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी कैसे हो रहा है, टाइम का हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा मेरा ड्यूटी यहाँ कैसे हो रहा है, कितना टाइम मेरा ड्यूटी हो रहा है दिन में, रेगुलर ऐसे ड्यूटी हमारा होता है यहाँ ड्राइवर का ड्यूटी। तो दोस्तों ये हमारा गाड़ी है, ये गाड़ी हम यहाँ ड्राइविंग करता हूँ। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को मेरा ड्यूटी क्या है। अभी सुबह का टाइम ही मैं मैडम को कंपनी से छोड़ के आ गया घूमने के लिए। तो कैसा ड्यूटी मेरा चल रहा है, कितना ड्यूटी से अच्छा ड्यूटी हमको मिल रहा है, वही ड्यूटी के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। ये हमारा रूम का लोकेशन हो सऊदी अरब ताबुक सिटी में, हमारा ये रूम का लोकेशन हो, ये बहुत बड़ा एक मॉल है, सुपरमार्केट है। ये देखो सऊदी अरबिया कार है, यहाँ बाएं साइड स्टेयरिंग होता है, दाएं साइड आदमी बैठते हैं। ये हमारा गाड़ी है, अभी सुबह का टाइम, हमारा ड्यूटी शुरू होगा अभी, मैं आपको टाइम दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, टाइम दिखा के आपको मैं बताऊंगा मेरा ड्यूटी के बारे में। अभी तो टाइम हो गया 7:15, मैं अभी निकल रहा हूँ ड्यूटी पे, हमारा ड्यूटी अभी शुरू हो गया, अभी हम जा रहा हूँ ड्यूटी मैडम के पास, मैडम मतलब कफिल के पास, यहाँ मालिक को कफिल बोलते हैं। तो अभी हम जा रहा हूँ कफिल के पास,
ये रास्ता पे हम जा रहा हूँ, हमको 10-15 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा, 10 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा उधर। 10 मिनट लगता है, सुबह सुबह रास्ता क्लियर होता है, भीड़ भाड़ नहीं होता है ज़्यादा, इसलिए 10 मिनट में मैं पहुँच जाता हूँ। 5 किलोमीटर का रास्ता है हमारा रूम से मैडम का घर, 5 किलोमीटर, 10 मिनट हमको लगेगा। ये देखो मदरसा का एरिया, मदरसा मतलब स्कूल, ये स्कूल का एरिया। ये देखो आगे हमको यू टर्न करके जाना होगा। ये देखो एक सर्कुलर पॉइंट है, ट्रैफिक सर्कुलर पॉइंट, ये सऊदी अरबिया का तरीक, सऊदी अरबिया का रोड। आगे बाई साइड ये ताबू सीट का जो है उसका घर, सुबह का टाइम है अभी। ये भी एक दूसरा सर्कुलर तैयार दवार उसको बोलते हैं यहाँ अरबी में, तैयार दवार मतलब ये ट्रैफिक आगे सर्कुलर है उसका नाम तैयार दवार। आगे हम राइट साइड की जाएंगे, ये एरिया एयरपोर्ट के पास है, ये एरिया बहुत वीआईपी एरिया है। ये एरिया का नाम कुर्तुबा, कुर्तुबा बोलते हैं एरिया का नाम, बहुत वीआईपी एरिया ये है एयरपोर्ट के पास। इधर ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये सब फंदुक, फंदुक मतलब होटल, यहाँ सऊदी में अरबी में होटल को फंदुक बोलते हैं। तो ये लेफ्ट साइड जितना बिल्डिंग आप देख रहे हो ये सब होटल है। एयरपोर्ट के पास लोकेशन सही है, आने के लिए बहुत कम समय लगेगा, इसलिए सब आदमी यहीं आते हैं, होटल पे रुकते हैं रात को। ये एक शॉर्टकट रास्ता था मैडम का घर के लिए, आगे भी था रास्ता लेकिन ये शॉर्ट रास्ता है, जल्दी हो जाएगा इसलिए मैं अंदर घुसा दिया। ये देखो एक मदरसा है, स्कूल है, छोटा छोटा बच्चों वाला का, बड़ा वाला के भी स्कूल है। उसका पास आगे थोड़ा लेफ्ट साइड में मैडम का बिल्डिंग आएगा, मैडम का घर। टाइम अभी हो गया 7:15, 7:16 हो गया। ये देखो हमारा मैडम का घर आ गया, वो भी यहाँ भेड़ा पे रहता है। ये देखो उनका घर है, अभी हम आ गया, पहुँच गया, हमको 10 मिनट लगा। ये देखो टाइम 7:27, हम 7:15-16 पे निकल था हमारा रूम से, अभी हो गया 10 मिनट, हम पहुँच गया इधर। ये है मैडम का घर, मैं इंतज़ार करूँगा अभी। ऑलरेडी हम आ गए मैडम के घर, मैडम के पास। अभी मैं मैडम को एक मिस कॉल कर दूँगा, मिस कॉल कर दूँगा, वो उसको मालूम हो जाएगा कि मैं गाड़ी लेके आ गया, फिर ही मैं इंतज़ार करूँगा उसको, उसके लिए 15-20 मिनट के अंदर वो निकल जाएगा उसका बच्चा के साथ। वो उसको उसका एक छोटा बच्चा है, वो बच्चा को साथ में ले के वो निकलेगा, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, मैडम अकेला रहता है इधर, तो छोटा बच्चा को कहाँ छोड़ के जाएगा घर पे, वो नहीं रह पाएगा, उसको डर लगेगा, इसीलिए वो साथ में बच्चों को ले कर निकल जाएगा। दोनों को हम ले कर पहले बच्चों को हम मदरसा में छोड़ेंगे, केयर टेकर मदरसा, यहाँ छोटा बच्चों के लिए मदरसा है, केयर टेकर मदरसा, उसको मरकज बोलते हैं यहाँ अरबी में, मरकज। तो पहले हम उसको उसकी बच्चों बच्चा को वहाँ छोड़ के फिर मैडम को लेकर हम जाएंगे उसका कंपनी, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ताबुक फार्माटिकल्स, उसको ले कर जाएँगे वहाँ, मैडम को ड्रॉप करके फिर मेरा ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा, मैं वापस आऊँगा। वापस आने के टाइम रास्ता में एक खूबसूरत पार्क है, जो पार्क में रेगुलर में मॉर्निंग वॉक करता हूँ गाड़ी पार्क करके उधर। तो अभी मैडम निकलेगा कुछ टाइम के बाद, देर बाद मैडम निकलेगा, उनका वीडियो मैं नहीं बना सकता, कि उसको गाड़ी में बैठा के मैं वीडियो नहीं बना सकता, यहाँ मंगनी है वीडियो बनाने का, इसीलिए उसको उसका कंपनी में ड्रॉप करके फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा।
अभी हम मैडम को ड्रॉप कर दिया उसकी कंपनी पे। ये देखो टाइम अभी 8:11 हो गया। ये है मैडम का कंपनी ताबुक फार्माटिकल्स। ये ताबुक सिटी का एक ही है, ये मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये देखो मैडम का कंपनी, 8:14 हो गया। अभी हम मैडम को छोड़ के ड्रॉप करके वापस आ रहा हूँ। वापस आने के टाइम वो रास्ते में एक पार्क होगा, पार्क है एक रास्ते में, बहुत बढ़िया खूबसूरत पार्क है। वही पार्क में मैं मॉर्निंग वॉक करूँगा। देखो टाइम अभी 8:15, मैडम को छोड़ दिया, मतलब सुबह का टाइम 7:15 पे मैं रूम से निकले था। अभी 8:15 हो गया, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मेरे को लगता है मैडम को छोड़ने के लिए। बस वही मेरा ड्यूटी है। ये देखो ये था मैडम का कंपनी, मैं आगे यू टर्न करके वापस आ रहा हूँ। ये देखो बाहर का एक मेन रोड, नेशनल हाईवे रोड के साइड में उसका कंपनी है। ये था मैडम का कंपनी, उसको कंपनी में ड्रॉप करके मैं वापस आ रहा हूँ हमारा रूम। ये देखो बीच में मैडम को छोड़ के आने के रास्ता पे ये बहुत खूबसूरत पार्क है इधर, वही रोड साइड में। तो ये पार्क में रेगुलर गाड़ी पार्क करके इधर आगे मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। ये पार्क का वीडियो मैं पहले बनाया था, बहुत वीडियो बनाया, इसलिए मैं पार्क का अंदर सुविधा सिस्टम में नहीं अभी दिखाऊंगा। और बस इतना ही दिखाऊंगा कि अभी देखो मैं आ गया, अभी अंदर मैं मॉर्निंग वॉक करके 1 घंटा 2 घंटा मॉर्निंग वॉक करके अंदर मैं वापस जाऊंगा। टाइम 9 बज गया, 9:30 के अंदर अंदर मैं पार्क में मॉर्निंग वॉक ख़त्म करके मैं वापस रूम पे जाता हूँ। ये था मेरा मॉर्निंग ड्यूटी, मेरा मॉर्निंग ड्यूटी अभी ख़त्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट ड्यूटी हमारा शुरू होगा शाम को 4 बजे। अभी देखो 4 बज गया, 7 घंटा के बाद 4 बज गया। मैं रूम पे खाना पीना बना के खा के रेस्ट लेके फिर 4 बजे हमें अभी रूम से निकल रहा हूँ। फिर जाएगा वही कंपनी, मैडम का कंपनी, जो मैडम को मैं ड्रॉप करके आया था। बीच में हमारा कोई भी ड्यूटी नहीं है। अभी मैं रूम से निकल रहा हूँ, जाऊँगा मैडम के पास, मैडम को पिकअप करके फिर उसके बाद वो मैडम के साथ आएंगे वो मदरसा, जो मदरसा में हमें बच्चों को ड्रॉप किया था, वो बच्चों को पिकअप करेंगे। मैडम और बच्चों दोनों को पिकअप करके फिर हम जाएंगे उसको उसका रूम पे छोड़ के हमारे रूम पे आएंगे। रूम पे छोड़ देंगे तो हमारा ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अभी मेरा रूम से निकलूँगा, मेरा टाइम हो गया नेक्स्ट ड्यूटी। दिन में सुबह का ड्यूटी ख़त्म हो गया था, ये शाम का ड्यूटी मैं 4 बजे अभी निकल रहा हूँ, मैडम के पास जाऊँगा। दिन में 2 बार मैं जाता हूँ गाड़ी लेके, बस सुबह गया था, सुबह का ख़त्म हो गया था, फिर अभी 4:15 मैं निकलूँगा। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 30-45 मिनट लगेगा, आराम से मैं जाऊँगा। मेरा रूम से मैडम का कंपनी 20 किलोमीटर। चलो निकलते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगा मैडम का कंपनी के पास, क्योंकि 1/2 घंटा टाइम लगेगा, 1/2 घंटा तक हम कैमरा ऑन करके नहीं रख सकते। तो ये हमारा रूम से अभी निकल रहा हूँ, 4:15 हो गया, मैं निकल रहा हूँ। ये देखो रास्ता बहुत खूबसूरत रास्ता, एकदम फांका फांका रास्ता, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको 1/2 घंटा ही लगता है मैडम का कंपनी पहुँचने के लिए, 1/2 घंटा टाइम लगता है। तो अभी थोड़ी देर बाद मैडम का कंपनी आ जाएगा। ये नेशनल हाईवे है, ये रियाद के लिए रास्ता है, मक्का मदीना वो दुबई के लिए भी रास्ता है, वही रास्ता है, सब उधर रास्ता है। ये देखो राइट साइड में सामने में मैडम का कंपनी आ गया, ये मैडम का कंपनी, हम आ गए। थोड़ी देर बाद हम मैडम को पिकअप करेंगे यहाँ से।
कंपनी 4 बजे बंद होता है क्यों, लेकिन ये कंपनी का गेट 4:15 पे खुलता है। मैडम हर टाइम लेट में निकलता है, लास्ट में निकलता है, इसलिए मैं भी थोड़ा लेट करके आता हूँ। अभी 4:44 हो गया, देखो मैं 4:15 पे निकला था रूम से, आधा घंटा ही लगता है मेरे को। ये देखो मैडम का कंपनी, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ताबुगु फार्माटिकल्स, ये कंपनी है। मैडम तो अभी आ जाएंगे, फिर मेरा वीडियो शूट बंद हो जाएगा, फिर मैडम को मैं घर पे ड्रॉप करके फिर लास्ट स्टेप में आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर बाद मैडम आ जाएगा, मैं उसको लेके उसको बच्चों के पास जाऊंगा मदरसा, उसके बाद मेरा ड्यूटी ख़त्म। ये देखो अभी शाम का टाइम 6:19, 6:20 हो गया। अभी मैं मैडम को और उसकी बच्चों को दोनों को उनका रूम पे ड्रॉप किया, ड्रॉप करके अभी मैं वापस जाऊंगा मेरा रूम। बस वही था मेरा ड्यूटी, उसको ड्रॉप कर दिया, मतलब आज के लिए मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया। शाम तो हो जाएगा, अभी मेरा ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा, ये था मेरा ड्यूटी। उसके बाद अभी हम चलेंगे हमारा रूम, मेरा ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा। बस 2 घंटा हमको लग जाएगा, 2 घंटा हमको लगा है, 2 घंटा लगेगा हमको उसका ड्यूटी, शाम का ड्यूटी। तो ये मैडम को छोड़ के हम जा रहे हैं वापस हमारे रूम। यही था हमारा ड्यूटी, और कुछ भी ड्यूटी नहीं है, बस वही टाइम है। देखो टाइम शाम बज गया, टाइम 6:30 हो गया शाम का, तो ड्यूटी भी हमारा ख़त्म हो गया। वही था हमारा ड्यूटी, एंड हो गया हमारा ड्यूटी। अभी हम वापस जा रहा हूँ हमारा रूम। बस ऐसा ही था हमारा ड्यूटी, बहुत बढ़िया ड्यूटी, ऐसे ड्यूटी किसी को भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये था मेरा ड्यूटी का बारे में मैं बताया आज, मेरा ड्यूटी सुबह से लेकर शाम तक कैसे मेरा ड्यूटी चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज बताया। ये था मेरा बहुत बढ़िया अच्छा ड्यूटी, इससे चल रहा है मेरा ड्यूटी सऊदी अरब में, मेरा ड्राइविंग का ड्यूटी इससे चल रहा है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप लोग को मेरा चैनल पे नया है, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबको रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आप लोग को मेरा फेसबुक पेज पे देख रहे हो वीडियो, तो मेरा पेज को फॉलो कर देना, फिर हम मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, नया ब्लॉग के साथ। तब तक आए, जय हिंद।